नमस्कार, मेरा नाम है प्रीतिका चौहान और मैं आपके शो संतोषी मामी देवी पार्वती की भूमिका निभा रही हूँ। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त देश के हालात कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। ये कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ बी सेफ, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। आप जितना देर अपने घरों के अंदर रहेंगे, कोरोना उतना आपके घर के बाहर रहेगा। एज सिंपल एज दैट, इतनी सी बात है। तो मैं अपना क्वारंटीन कैसे बिता रही हूँ, तो मैं अपने घर आ गई थी शिमला, लॉकडाउन से काफ़ी वक्त पहले आ गई थी लकीली। तो बस पूरा दिन घर वालों के साथ रहती हूँ। मेरे मॉम डैड हैं, मेरे भाई बहन हैं, हम सब बहुत मस्ती करते हैं, अच्छा अच्छा खाने के लिए बनाते हैं डेली, कुछ ना कुछ मैं यूट्यूब से देखती हूँ और बनाती हूँ। इसके अलावा हम कार्ड्स खेलते हैं, मैं बुक्स पढ़ती हूँ, फिल्म्स देखती हूँ, भाई बहन के साथ मस्ती करती हूँ, बैडमिंटन खेलती हूँ, एक्सरसाइज थोड़ा कम करती हूँ। और यहाँ पे शिमला में हल्की हल्की सी ठंड है, देखिए मैंने भी स्वेटर पहना है। तो मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का और मज़े ले रही हूँ घर के। इस वक्त के लिए हमेशा तरसती थी कि काश ऐसा वक्त मिले कि कोई ऑडिशन के लिए कॉल्स ना आए, कोई शूट के लिए कॉल ना आए, थोड़ा सा वक्त शांति चाहिए थी। तो वो शांति मुझे मिल गई है और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इस क्वारंटीन को, इस लॉकडाउन को थोड़ा सा पॉजिटिव लें। ऐसा मत सोचिए कि हम बोर हो गए हैं, हमें काम करना है। क्योंकि याद करिए, जब आपको काम करना था तो आप क्या सोचते थे कि काश ये संडे हफ्ते में दो बार आता, काश छुट्टियाँ और मिल जाती। तो यही वो वक्त है जब आपको काफ़ी सारी छुट्टियाँ मिली है, अपने आप को जानने का थोड़ा सा समय मिला है, अपने आप को जानिए, अपने भीतर जाके देखिए, अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, अपनी फैमिली को प्यार दीजिए, अपनी फैमिली को समय दीजिए, जो आप जो नहीं मिल पाता हम एक्टर्स को और बहुत लोगों को जो भी जॉब करते हैं। तो यही कहूँगी कि पॉजिटिव रहें, बहुत पॉजिटिव रहें, बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स ना लाएं। और जो भी आपके शौक है, जो भी आप करना चाहते थे, पेंटिंग, डांसिंग, एक्टिंग, टिकटॉक वीडियोस, या जो भी आप करना चाहते थे, फिल्म्स देखना चाहते थे, या जो भी आप अब कर सकते हैं। ये समय सबसे अच्छा समय है, इसको यूटिलाइज़ कीजिए, पॉजिटिव रहिए। और इसी के साथ गुलजार साहब की एक कविता है, आज ही मैंने पढ़ी, मुझे बहुत पसंद आई, तो मैं आप सबको सुनाती हूँ। एक मुद्दत से आरजू थी फुर्सत की, मिली तो इस शर्त पर कि किसी से ना मिलो। शहरों का यूं वीरान हो जाना कुछ यूं गजब कर गई, बरसों से गुमसुम पड़े इन घरों को आबाद कर गई। ये कैसा समय आया है कि दूरियां दवा बन गई, जिंदगी में पहली बार ऐसा वक्त आया है इंसान ने जिंदा रहने के लिए कामना छोड़ दी। घर गुलजार सूने शहर, बस्ती बस्ती में कैद हर हस्ती हो गई, आज फिर जिंदगी महंगी और दौलत सस्ती हो गई। इसी के साथ नमस्कार, प्लीज बी सेफ, बी पॉजिटिव एंड बी एट होम। जय हिंद।